जॉन, हमें जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाना चाहिए, ठीक है? तुम जाओ, मैं यहीं रहकर थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। मैं नहीं जाऊंगी, मैं आपको यहाँ अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? मैं भी यहाँ बैठ जाती हूँ, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी, और आपको कभी भी मेरी जरूरत पड़ सकती है और आप सेफ रहेंगे। ठीक है, आप ठीक है ना? ठीक है। मेरे बैग में एक एप्पल है और नाइफ भी, क्या हम शेयर करें? आपका इंसुलिन डाउन हो गया है क्या? वैसे मुझे भी भूख लग रही है, क्या आप ये पकड़ सकते हैं? मैं एप्पल काटती हूँ। हाँ, नाइफ है, एप्पल। ठीक है, एप्पल। हाँ, एप्पल। हाँ, एप्पल है, काफी अच्छे है, काफी अच्छा है ये। ये लीजिए एप्पल। क्या मैं इसे पकड़ू? ये इंसुलिन बैलेंस करने के लिए अच्छा है। जल्दी अंधेरा होने वाला है और ठंड भी बढ़ जाएगी, हमें यहाँ आग का इंतजाम करना होगा। मैं आपकी हेल्प करती हूँ। उम्मीद है कि रात को भालू ना आए। हम उन्हें डरा के खा सकते हैं, वैसे ब्लड स्मेल से भालू कभी नहीं आते, वो शार्क्स होती हैं। हाँ, अब मैं एक्सपीरियंस हो चुकी हूँ। ओह सॉरी। और एप्पल है क्या? हाँ, मैं आपके लिए कट करती हूँ। मैं पकड़ता हूँ। उस नैपकिन को मत देखना। बस एक मिनट। लगता है मौसम सही रहेगा। अगर आप ठीक हो तो क्यों ना हम रास्ता ढूंढकर वापस चलें? अगर आप ठीक हो तो। हाँ, मैं ठीक हूँ, पर अब हम वापस नहीं जा सकते। ठीक है, यहाँ आ जाओ, वहाँ ठंड लग सकती है। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, और मौसम भी इतना ठंडा नहीं है। जान, ये तुमने क्या कर दिया? ओके, मैं जा रहा हूं, गुड बाय। वैसे बुक का टाइटल फीनिक्स क्यों है? क्या आपको स्टोरी पता नहीं है? अगर तुम चाहो तो मुझे बता सकती हो।
एक पंछी जिसका नाम फिनिक्स था, वो एक माउंटेन में रहता था। वो सभी पंछियों का राजा था और उसे उसे सब कुछ पता था। और एक दिन अचानक वो गायब हो गया और फिर कई दिन बीत गए और तब तक सभी पंछियों ने उसके वापस आने की उम्मीद छोड़ दी थी। फिर किसी दिन दूर कहीं उसका पंख मिलता है और फिर दुनिया के सभी पंछी वहाँ उस फिनिक्स को ढूंढने में लग जाते हैं। उड़ते उड़ते कुछ पंछी थक जाते हैं, कोई उम्मीद छोड़ देते हैं, कुछ मर जाते हैं, तो आखिर में सिर्फ 30 पंछी बचते हैं। और तब उन्हें समझ आता है कि वो फिनिक्स ही है। ये पूरा सफर उन्हें रियलिटी देखने में मदद करता है और उन्हें रियलिटी समझ आती है। आग। जब भी फिनिक्स मरता है तो उसकी राख से जिंदा होता है। वो आग में क्यों ना जल जाए, पर आखिर में वो उठता है और फिर उसी राख में से उठकर वो फिर से जीना शुरू करता है। जैसे कि तुम। मैं आपको समझ नहीं पाती जान, आप काफी लॉन्ग इंटरवल के बाद मेरे सामने आए हैं। आप मुझसे क्या चाहते हैं? प्लीज इस बार मेरा दिल मत तोड़िए। आप मुझसे दूर ही रहिए। सनम, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा, पर अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे दूर रहूं तो मैं ऐसा ही करूंगा। पर मैं जानता हूं कि तुम एक बात जान लो कि वो नोटबुक मैंने नहीं चलाई थी। वो बुक तुम्हारे लिए काफी कीमती थी, तुम्हारे सपने, तुम्हारी मेमोरीज। आप उस बारे में बात कर रहे हैं जो बुक आपने कभी पढ़ी ही नहीं। मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ। यकीन के दरिया के बाद पंछी वहां से गुजरने के बाद जब बातचीत कर रहे थे तो वो दोनों अपनी अपनी डीपेस्ट प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे थे। वही जितना उनकी आत्मा ने सहा होगा, शायद उनकी बॉडी ने नहीं सहा होगा। जो अपनी आत्मा तक नहीं पहुंच पाता वो उस दरिया में ही गायब हो जाता है। कुछ आमने सामने आने के बाद उनके अकेलेपन के साथ और देखते हैं वो सब चीजें जो उन्होंने पास्ट में की थी, वो पत्थर दिल बन जाते हैं। वो कुछ बोल ही नहीं पाते। उनके पास्ट में जो कुछ हुआ था, बस खामोश रहते हैं। जो पंछी उस दरिया से गुजरते हैं उन्हें बहुत संघर्ष झेलना पड़ता है। मेरी बुक अब तक पूरी नहीं हुई है क्योंकि मैं हर एक पन्ना बार बार पढ़ता हूं।
गुड मॉर्निंग, क्या हम चलें? ठीक है, चल सकते हैं, शायद हम घूम जाएंगे, हमें वेट करना चाहिए। वेट किस लिए सनम? और मेरा काफी अच्छा सेंस ऑफ डायरेक्शन है, ट्रस्ट मी। क्या तुम कार से मेरा कोड दे सकती हो प्लीज? और चाबी भी है, जल्दी करो प्लीज। मैं इन पेड़ों पर भरोसा कर सकती हूँ पर आप पर नहीं। चलो। हाँ मैं आ गई। कार को यहीं छोड़ देते हैं। ये लीजिए मेरा हाथ। संभल के अपना फुट वहां पर रखो, ये काफी स्लिपरी है। तो इसलिए तुम क्या? कुछ नहीं, तुम अपने फ्लावर्स ले लो फिर हम चलते हैं। ठीक है, इतने काफी है। हेलो, मैं मिसेज आइसेन से मिलना चाहती थी। वो आती होगी, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? एक्चुअली आपके पड़ोस में हमारा एक हट था, पिछले साल किसी रीजन की वजह से हमें वो बेचना पड़ा। तो क्या आपके पास उस डायरेक्शन की कोई रिकॉर्डिंग होगी? वो काफी बड़ी जगह है, मुझे लगता है कि उन्होंने कैमरे नहीं लगाए और कुछ साल पहले निकाल दिए। आई अंडरस्टैंड, पर क्या बता सकते हैं कि वहाँ उस डायरेक्शन में कोई कैमरा है? डोंट वरी, मैं सिक्योरिटी कंपनी को कॉल करता हूँ और आपको बता दूंगा। आप अपना कार्ड दे दीजिए। ओह थैंक यू, मेरी काफी मदद हो जाएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मुझे कितने सारे काम करने हैं पर मेरे पास सफिशिएंट लोग ही नहीं है हेल्प करने के लिए। प्रिंटिंग करना है, फोटोज को डिजाइन करना है, ये सब कौन करेगा? मिस डेरिन, ऐसा करते हैं कि आप मुझे पहले जैसी धमकी दिया करो, जैसे जेजे मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी, जेजे तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, उस तरह मैं उस स्ट्रेस में अच्छा काम कर सकता हूँ। और हाँ, वो एक तरह का रोल प्लेइंग रहेगा। क्या आप समझ रही है? मुझे नौकरी से निकाल दो मिस डेरिन, निकाल दो प्लीज, निकाल दो। बकवास बंद करो तुम। हाँ सच में तुम चुप करो, तुम अब इस कंपनी के पार्टनर हो और कहीं ना कहीं बॉस भी हो, तो तुम चाहो तो खुद ही अपने आप को इस जॉब से निकाल सकते हो। तुम्हें पता है मुझे बहतिन भाई का फोन आया था, उन्होंने मुझसे बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कही हैं, मजा आ गया सुनकर। ये जरूरी नहीं है, समझे मुझे प्लीज। चलो ना भाई चलते हैं, जल्दी करो यार, बहतिन भाई से जाकर मिलते ना। हाँ, चलो जाओ यहाँ से, तुम वैसे भी मेरी कोई मदद नहीं करते, मैं यहाँ अकेली काम करती हूँ। चलो भाई, मिस्टर बहतिन हमारी राह देख रहे होंगे। मैं बॉस हूँ, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल सकता हूँ, चलो ठीक से काम करो। उसने वैसे भी तुम्हें परमिशन दे दी ना। गुड। ओ, कितने मजे में बैठ के कुछ पढ़ रहे हो तुम। आप कौन से ग्रेड में हैं? आह मिस्टर जान, सनेम, मिस्टर जान, सनेम। आइए वेलकम, हमें कुछ काम है, हम वहां जा रहे हैं, आपको भी काम होगा। सनेम तुम कहाँ थी? मैं बहुत ही परेशान हो गया था, तुम अपना फोन भी भूल गई थी। वो हम जानेर को जंगल में ढूंढ रहे थे और फिर हम लेट हो गए तो अंधेरे में वापस नहीं आ सके, इसीलिए अभी आ रहे। खैर हमें माफ कर दो। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि तुम ठीक हो। जान, हमारे पास ढेर सारा काम है, हमें जल्द से जल्द प्रिंटिंग प्रोसेस करनी चाहिए, मुझे डिजाइन बनाने हैं, क्या तुम सनम की फोटोज पर काम कर लोगे तो अच्छा रहेगा। वैसे मेरे पास एक ब्राइट आइडिया है सनम, क्या तुम खुद की फोटोज खुद चुनना पसंद करोगे? श्योर, मैं ऐसा कर सकती हूँ। ठीक है,
कोई बात नहीं सनम, अगर तुम चाहो तो। हाँ। दरन लैपटॉप का मुझे एक जरूरी काम है जो मैं कब से पोस्टपोन किए जा रहा हूँ। हाँ जरूर, आप मेरा यूज कर लो, मैं टेबल पर काम करूँगी। ओके ठीक है, मैं जाकर नहा लेती हूँ और वापस आती हूँ, तब तक आप काम कर लीजिए। अच्छा मैं जाती हूँ। उन्होंने एसोसिएशन से बात कर ली है, हमें पहले प्रायोरिटी भेजनी होगी उन्हें। वो सब रुक सकता है, पहले कुछ जरूरी काम है जो मुझे करना है। हेलो, मिस डेरन ने मुझे दिया था और मैंने इसे देखा तक नहीं था। अगर आपके पास थोड़ा वक्त है तो हम दोनों मिलकर इसे चूज कर लेंगे। बैठ जाओ। अच्छे हैं, थैंक यू सो मच। बुक के लिए सबसे बेस्ट कौन सा है? मुझे नहीं पता, आपको क्या लगता है? इसमें तुम्हारे चेहरे के सब अलग अलग एक्सप्रेशंस दिख रहे हैं, तो बेस्ट कौन सा है? मैं राइटर हूँ, ऐसा दिखना चाहिए अगर पॉसिबल हो तो। उसके बाद ये वाला, मैं इसमें एकदम राइटर की तरह दिख रही हूँ। सनम, हाँ ये मेरी गलती है, मेरी गलती। मैंने दो इनएक्सपीरियंस लोगों को बिजनेस मीटिंग के लिए भेजा, ये देखो। अरे ऐसा भी क्या हो गया, ये अपने कंपनी के भलाई के लिए तो किया है हमने, कोई गलती थोड़ी की है। हमने वहाँ जाकर नौकरी की, वहाँ पर प्रोजेक्ट को समझा और देखो कितना सक्सेसफुल हो गया वो। अब उनकी शॉप को बच्चा बच्चा जानता है, पता तुम्हें? मुझो, हम कमर्शियल्स बनाते हैं कंपनी के लिए, ना कि अपने लिए। अब से तुम दोनों कहीं मत जाना कोई भी बिजनेस मीटिंग्स के लिए। मेरी गलती होगी और मैंने तुम्हें बजट के बारे में बताना चाहिए था, ये लो। लेकिन हमने ये सब अपने लिए नहीं किया है, अपनी कंपनी के लिए किया है। गुड, मुझे अच्छा लगा, गुड, तुमने समझ लिया मेरे दोस्त। मैं ये पैसे दीवार पर टंगाऊंगा, पहले कमाइए। जे, हाँ तुम नेगेटिव वे में बोल रहे हो और मेरा जो मेडिटेटिव एरिया है उसे भी ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहे हो। सॉरी, मुझे माफ करना, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। हेलो हेलो मिस डेरन। जी, मुझे माफ करना, मैं जानती थी तुम उनमें से नहीं हो जो हमेशा नेगेटिव एटमॉस्फेयर तैयार करते हैं। मुझे पता है मेडिटेशन से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। यार मुझे मुझे बताओ क्या चल रहा है। और सने पीछे पीछे वो समझ में आ जाएगा तुम्हें। मिस डेरन यहाँ बहुत शोर है, मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा। देखो ठीक है मेरे दोस्तों, ये फिक्री हरी का कंपनी की पहली कमाई है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें प्रॉफिट्स की पड़ी है, लेकिन इसकी अहमियत समझो। आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमने पैसे कमाना शुरू कर दिया, ये बात मत भूलो। इसे देखो और याद रखो, आज हमारी कंपनी ने उद्घाटन कर लिया है और ये नोट उस चीज की गवाही देता है। पागलपन है, मैं बहुत नाराज हूँ। ब्रावो, थैंक यू। क्या बात, थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या बात है गाइस, मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा पूरी टीम को। अरे मिस्टर जान आप भी आ गए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मिस्टर जान मैं मेडिटेट कर रहा हूँ। गुड फॉर यू, नाइस।